ओके मिस्टर डी, बजर बैटल का वक्त हुआ चाहता है yes. और बजर बैटल में बहुत मजा आता है मुझे, क्योंकि इसमें जितने मजे मजे के सवालात होते हैं और उनके जवाब जितने इंटरेस्टिंग आ सकते हैं उसका बेसिकली ये फिल इन द ब्लैंक्स है. ओके सो आप लोगों से सवाल किए जाएंगे, माइनस 10 इज स्टिल देयर, सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस. जिससे पूछा जाएगा सिर्फ वो जवाब देगा और कोई प्लेयर जवाब नहीं दे सकता, वरना माइनस 10 हो जाएंगे. ठीक है, सो रेडी गाइस, रेडी? ओके कम ऑन मरियम. 90s के लड़के अपनी मोहब्बत की डैश अपने पास रखते थे. दबा दिया. मरियम क्या नींद में है? मैं सोच रही थी आपका जवाब. शरबत लग रहा ना, मोहरम वाला, सबील वाला, सबील वाला. और तो को मारेगा, मैं ही मार दूंगा आपको इस बात में. आई थिंक चाबी, the key of, you know, the no, उसको explain, तशरीह के लिए नहीं बुलाया, फलसफा नहीं. हाँ, से आपको सवाल के साथ explain नहीं करना. हाँ, चलें, अब इन्होंने तो गलत दे दिया, अब आपका मौका है. 90s के लड़के अपनी मोहब्बत की डैश अपने पास रखते थे. मोहब्बत की तस्वीरें, तस्वीरें अपने पास रखते थे. निकल जाओ यहाँ से, नाक कटवा दिए हमारे. अपनी तस्वीर गुम कर दे, कोई बात नहीं. अभी एक गलत जवाब देंगे आप लोगों के पास, आप देखना. ओके चलिए सर, तैयार हैं? आपने एक बोला गलत जवाब देंगे, फैसल भाई हैं. मुझे लगता है उनको अल्लाह ना करे. लोग मोहब्बत करने के बाद अपने पार्टनर के साथ क्या करते हैं? इजहार. कहा था? यस मैम, आपसे मेरी होप्स बहुत हाई है, आप मेरा शो बना देंगे. लोग मोहब्बत करने के बाद अपने पार्टनर के साथ शादी करते हैं. ओ दुरुस्त जवाब. इतनी जल्दी शादी? तो हिंट आपने तो दिया था. 90s में एक दूसरे को मोहब्बत में डैश देने का रुझान कम था. गिफ्ट्स, बॉय. 90s में मोहब्बत में एक दूसरे को डैश देने का रुझान कम था. मोहब्बत में डैश देने का रिवाज कम था. उसने भी ये कहा. आप लोग क्या सो रहे हो क्या? 90s में मोहब्बत में एक दूसरे को डैश देने का रिवाज कम था. डैश अपनी महबूबा के लिए दूध की नहर ढूंढने निकल पड़े थे. तारीफ से अगर आपको थोड़ा सा भी शकफ है तो यू नो द आंसर. ओके ओके, हम कहां थे? हम यहां थे. कम ऑन, गो. नो नो नो, इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी. एक लवर था, ये मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ. एक लवर था जो दूध की नहर ढूंढने निकल पड़ा था, उसका नाम क्या? यार कम ऑन, तो आप कम ऑन. आई थिंक फराज़ अहमद.